हेलो दोस्तों, पैरामेडिकल कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम G6PD टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि G6PD क्या होता है। G6PD का फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। एंटी टेस्ट क्या होता है? G6PD एक टाइप का एंजाइम होता है। क्या होता है? G6PD एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि इंडिविजुअल्स के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? G6PD एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि इंडिविजुअल्स के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है एंड ये RBC को इफेक्ट करता है। एंड ये RBC को इफेक्ट करता है और एक टाइप की हेरिडिटरी कंडीशन होती है। क्या होती है? एक टाइप की हेरिडिटरी कंडीशन होती है। G6PD एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि इंडिविजुअल्स के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है एंड ये RBC को इफेक्ट करता है और ये क्या होती है? एक टाइप की हेरिडिटरी कंडीशन होती है। एंड G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी से RBC की बॉडी में कमी हो जाती है। G6PD की अगर कमी होगी, एंजाइम की कमी हो जाएगी, तो RBC की भी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। बिकॉज ये RBC को इफेक्ट करता है इसलिए। G6PD एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि इंडिविजुअल्स के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है एंड ये RBC को इफेक्ट करता है और एक टाइप की हेरिडिटरी कंडीशन होती है। अगर G6PD की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है एंजाइम की, तो ये RBC की भी हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाती है और ये फिर क्या कॉज करता है? हीमोलाइटिक एनीमिया को कॉज करता है। फिर ये क्या कॉज करता है? हीमोलाइटिक एनीमिया को ये कॉज करता है। अब इस टेस्ट को, G6PD टेस्ट को किया क्यों जाता है? G6PD टेस्ट को हम करते हैं G6PD एंजाइम का लेवल पता करने के लिए। G6PD एंजाइम के लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? G6PD टेस्ट को करते हैं। इससे क्या होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। G6PD की डेफिशिएंसी से हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स जैसे जॉन्डिस, हेयर पेल येलो स्किन, रैपिड हार्ट रेट एंड रेड एंड ब्राउन यूरिन। इस टाइप के सिम्टम्स शो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। और हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, इसलिए हम G6PD टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब हम इसके प्रिंसिपल देखते हैं। इसके प्रिंसिपल में दो रिएक्शंस है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस NADP G6PD फॉस्फोग्लोनिक एसिड प्लस NADPH प्लस H+। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। एंड सेकेंड है NADPH प्लस H+ प्लस 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल, आइडोफिनॉल और ब्रोमोग्रिशॉल ब्लू कलरलेस डाई। ये क्या होता है? इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NADP के साथ G6PD की प्रेजेंस में NADP के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? फॉस्फोग्लोनिक एसिड प्लस NADPH+ बनाता है। क्या बनाता है? फॉस्फोग्लुकोनिक एसिड प्लस NADPH+ H+
बनाता है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6PD की प्रेजेंट्स में जब NADP के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड प्लस NADPH प्लस H+ बनाता है। और इसकी सेकेंड रिएक्शन में हम ये वाला जो पार्ट होता है NADPH प्लस H+ को ले लेते हैं और 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल आइडोफिनॉल और ब्रोमोक्रिशियल ब्लू। इसमें क्या होता है, जब NADPH प्लस H+ 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल आइडोफिनॉल और ब्रोमोक्रिशियल ब्लू के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कलरलेस डाई बनाता है, ये इसका प्रिंसिपल हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इस टेस्ट को करने के लिए। इस टेस्ट को करने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर एंड वाटर बाथ। और इसका हम स्पेसिमेन क्या लेते हैं, ETTA एंटीकोएगुलेंट ब्लड। इसमें हम स्पेसिमेन क्या लेते हैं, ETTA एंटीकोएगुलेट ब्लड। ये क्या लेते हैं, हम इसका स्पेसिमेन लेते हैं। अब हम इसमें रिएजेंट्स देखते हैं कि हम इसके अंदर रिएजेंट्स क्या क्या लेते हैं। रिक्वायरमेंट में तो हम क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, वाटर बाथ। और स्पेसिमेन में हम लेते हैं इसका ETTA एंटीकोएगुलेट ब्लड। अब हम इसके रिएजेंट्स देखते हैं, रिएजेंट्स में हम क्या क्या लेते हैं। हम इसके अंदर ये सारे रिएजेंट्स यूज करते हैं, ट्राइस बफर, NADP, G6 फॉस्फेट, ब्रोमोक्रिशियल ब्लू, वर्किंग ब्रोमोक्रिशियल ब्लू एंड लिक्विड पैराफिन, ये सारे रिएजेंट्स होते हैं। ट्राइस बफर ट्राइस और SCL से मिलकर बना होता है, जिसमें ट्राइस कितना होता है 2.42 ग्राम एंड SCL होता है 100 ml और इसकी pH होती है 8.5। NADP ये 1.67 ml ग्राम पर DL होता है एंड G6 फॉस्फेट, इसमें D नहीं है, ओनली G6 फॉस्फेट है, ये 152 mg ऑफ एन हाइड्रोजन सॉल्ट इन 10 ml डिस्टिल वाटर। इसमें 10 ml डिस्टिल वाटर के अंदर 152 mg ऑफ एन हाइड्रोजनियस सॉल्ट मिक्स होता है। और इसमें डिस्टिल वाटर के अंदर क्या मिक्स होता है, 10 ml डिस्टिल वाटर के अंदर 179 mg ट्राईहाइड्रेट्स मिक्स होता है। तो उससे मिलकर इनसे मिलकर क्या बना होता है, G6 फॉस्फेट। और फोर्थ नंबर पे आता है ब्रोमोक्रिशियल ब्लू, इसमें 16 mg पर DL इन ट्राइस बफर होता है। ब्रोमोक्रिशियल ब्लू के अंदर क्या होता है, 16 mg पर DL क्या होता है, ट्राइस बफर, ये जो हमने लिया है वो इसके अंदर होता है 16 mg पर DL। वर्किंग ब्रोमोक्रिशियल ब्लू एंड लिक्विड पैराफिन, मोस्टली जो ये रिएजेंट्स होते हैं ये हमारे काम नहीं आते हैं, ओनली फॉर ये दो काम आते हैं, वर्किंग ब्रोमोक्रिशियल ब्लू एंड लिक्विड पैराफिन। बट हमने इसको लिया क्यों है, इनको हमने पढ़ा क्यों है, क्योंकि इन सब से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, वर्किंग ब्रोमोक्रिशियल ब्लू प्रिपेयर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इन दी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 8 parts ऑफ ब्रोमोक्रिशियल ब्लू, इसमें हम ब्रोमोक्रिशियल ब्लू का तो कितना लेते हैं, 8 parts लेते हैं। 8 parts किसका लेते हैं, हम ब्रोमोक्रिशियल ब्लू का लेते हैं एंड 1 part ऑफ G6P और 1 part लेते हैं हम G6P का एंड 1 part लेते हैं हम NADP का। इन दोनों के तो हम 1-1 part लेते हैं और किसका, 8 parts हम लेते हैं ब्रोमोक्रिशियल ब्लू का। इन सबसे मिलकर क्या रेडी हो जाता है हमारा, वर्किंग ब्रोमोक्रिशियल ब्लू इन सब से मिलकर रेडी हो जाता है। तो ये सारे हम रिएजेंट्स मेनली हम वर्किंग ब्रोमोक्रिशियल ब्लू एंड लिक्विड पैराफिन को ही यूज लेते हैं। हम इसकी प्रोसेसर देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेसर कैसे होती है। हीमोलाइसेट, हीमोलाइसेट को हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करते हैं और ये किससे मिलकर बनी होती है, इसमें हम ब्लड लेते हैं, सब
सबसे पहले हम प्रिपेयर क्या करते हैं, हीमोलाइसेट प्रिपेयर करते हैं, और इसमें हम ब्लड कितना लेते हैं 0.05 ml, और हम डिस्टिल वाटर लेते हैं 2.5 ml। सबसे पहले हम हीमोलाइसेट प्रिपेयर करते हैं, और हीमोलाइसेट प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसमें ब्लड लेते हैं हम 0.05 ml, और 2.5 ml हम डिस्टिल वाटर लेते हैं, और इन दोनों को मिक्स करके क्या प्रिपेयर होती है, हमारी हीमोलाइसेट प्रिपेयर होती है। अब हम इस प्रोसेसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक ए टेस्ट ट्यूब, सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उसके अंदर हम करेंगे एड 1 ml ऑफ हीमोलाइसेट। जो हमने ये हीमोलाइसेट प्रिपेयर किया है उसको हम कितना करेंगे, 1 ml लेंगे, ऐड कर देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। हीमोलाइसेट ऐड करने के बाद हम इसमें 0.5 ml वर्किंग ब्रोमोक्रेशियल ब्लू ऐड करेंगे। जो हमने ब्रोमोक्रेशियल ब्लू प्रिपेयर किया था उन तीन चीजों से मिलकर उसको हम इसमें ऐड करेंगे 0.5 ml, एंड देन हम क्या करेंगे इसके अंदर लिक्विड पैराफिन, जो हमने एक और रिएजेंट लिया था लिक्विड पैराफिन, उसको ऐड करेंगे हम, कितना करेंगे 2 ml। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हीमोलाइसेट प्रिपेयर करेंगे। हीमोलाइसेट किससे प्रिपेयर करेंगे, ब्लड कितना लेंगे हम 0.05 ml, एंड 2.5 ml हम डिस्टिल वाटर लेंगे। इन दोनों से मिक्स करके क्या प्रिपेयर होती है, हीमोलाइसेट। अब हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 1 ml हीमोलाइसेट ऐड करते हैं, एंड 0.5 ml वर्किंग ब्रोमोक्रेशियल ब्लू ऐड करते हैं, एंड देन हम 2 ml ऑफ लिक्विड पैराफिन को ऐड करते हैं। अब इसको हम 37 degrees Celsius पर रख देते हैं। पर हम इसको रख देते हैं, एंड क्या करते हैं हम इसका ऑफ कलर को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन, यदि इसके अंदर ब्लू कलर प्रेजेंट होता है इट मीन्स G6PD एब्सेंट है। अगर हमको ब्लू कलर शो होता है इसमें तो इट मीन्स क्या होता है, G6PD एब्सेंट है, और अगर कलर लेस अपीयर होती है ये, इट मीन्स क्या होता है, G6PD प्रेजेंट। ये हमारा G6PD टॉपिक कंप्लीट होता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, अगर हमें ब्लू कलर अपीयरेंस होता है, शो होता है, तो इट मीन्स G6PD एब्सेंट होती है, और अगर कलरलेस ही हमको दिखता है तो इट मीन्स G6PD प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से हमारा G6PD टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।